थोड़ी देर पहले आप हार कह रहे तो थे कि हार अगर के तो आए थे ना बाबर आजम जीत के आ गया तो आप फिर क्या उसे नहीं, मैं तो दोनों सूरतों में मानेंगे, मैं तो दोनों सूरतों में ये करेंगे, मैंने उस बात में सुनो, मैं तो दोनों सूरतों में उसे बेहतरीन प्लेयर मानता हूँ और इस टीम का कप्तान प्लेयर तो पूरी दुनिया मानती है, मैं दोनों अगर नहीं मानती कप्तान तो मानता अच्छा कप्तान नहीं मानता। अरे कप्तान मानता हूँ मैं, कप्तान बेहतरीन नहीं मानता, हाँ, मैं प्लेयर मान ये नहीं मानता, मैं प्लेयर अच्छा मानता हूँ। इन्होंने कप्तानी की भी है, मैंने कप्तानी नहीं किया, नहीं मैं कप्तान, मैंने क्लब क्रिकेट में कप्तानी की अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कप्तानी भी की है, मैं उसको कप्तान अच्छा नहीं मानता, प्लेयर दुनिया का वर्ल्ड क्लास है, तो बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है मैं कहता हूँ, लेकिन कप्तानी उसे अब तक चार साल में नहीं सीखा तो आगे भी नहीं सीखा। बहरहाल पाकिस्तान अभी भी क्वालिफाई कर सकता है और बाबर आजम वर्ल्ड कप पाकिस्तान भी क्वालिफाई कर सकता है, श्रीलंका भी कर सकता है, नेदरलैंड भी कर सकता है, अफगानिस्तान भी कर सकता है, उनको भी साथ बोले उनके साथ भी मौजा हो सकता है उनके लिए, ये कैसे हार गया खत्म कर बांग्लादेश दो टीमों के अलावा कोई आउट नहीं हुआ ये भी बोले हाँ, नहीं बांग्लादेश और इंग्लैंड के अलावा कोई आउट नहीं हुआ, लेकिन आपको जो मैचेस खेलने हैं आप उन टीमों को देखोगे ना आप न्यूजीलैंड से जीत जाएंगे अरे यार वो जीत जाएंगे वो तो देखो फ्यूचर की बात नहीं करें ना।